ऐसी नालियाँ तो बाढ़ भरी रहते हैं, गंदगी पूरी गंद रह रही थी, नालियों की गंद है। ये विधायक जी का लहजा था कि हमें वोट की जरूरत नहीं है। ये नालियाँ बना बना के झांटियाँ डाल दी है, बारिश होती है तो घोटने का कमर तक पानी हो जाता है। विधायक जी यहाँ रास्ते देख लीजिए क्या हो रहा है, वोट निश्चित करे, हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है। किराए पर रह रही है घर छोड़ के जा कीचड़ की वजह से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही है। बहुत की होती है घर में पानी घुस गया तो। जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा इलाका दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप शायद ये कह पड़ेंगे कि दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में बाढ़ आ गई है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। एक दिन की बारिश के बाद से माहौल किस तरह का हुआ है वह तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपकी नज़र पूरे रास्ते में जहाँ तक भी जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ कीचड़ और पानी आपको दिखाई देगा। रास्तों का ये हाल है और ये गाज़ियाबाद का बहरामपुर है। यहाँ से नोएडा कुछ गलियों की दूरी पर है और गाज़ियाबाद की सीमा पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये इस इलाके में कैसे रहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पानी यहाँ पर भरा हुआ है ऐसे में मच्छर मक्खियाँ तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इनको लोगों को परेशान करती होंगी। अम्मा जी आपका नाम क्या? मेरा नाम चंद्रवती है। यहाँ आप कहाँ से आ रहे थे? यहीं गली में मेरा घर है, मैं तो जहाँ से 25 साल से यहीं रह रही हूँ। ऐसी नालियाँ तो बाढ़ भरी रहते हैं, गंदगी पूरी गंद रह रही थी, नालियों की गंद है। पानी तो बारिश का है ही, जुड़ ही जाता है, पर नालियों का भी पानी बड़ा रहता है। साल से ऐसी है या फिर है, यहाँ पे कोई सुधार नहीं है। कौन है? अब तो ये पिंटू बिहारी है। बताया नहीं उनको कि यहाँ क्या? ये नाली बना बना के झांटियाँ डाल दी है, बारिश होती है तो घोटने का कमर तक पानी हो जाता है। बुला लिया किसी दिन कह देता है नोएडा आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नोएडा बता देते? हाँ नोएडा बता देते हैं। गाजियाबाद की हुई है आपकी? नोएडा की। राष्ट्रीय गाजियाबाद की है, मेरी नोएडा की है। कुल मिलाकर इलाके जो हैं वो आप देख सकते हैं। इनसे भी बातचीत कर लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास है। रामदास जी क्या लग रहा है ये राम राज्य वाले कॉलोनी तो नहीं लग रही हमको, आप बताइए। मैं गांव में रहा, हाँ मैं बालक रहे पहले। यहाँ अब हम देख रहे हैं, अब कैसा है? अब देख लो आपके सामने है। ये देखो, सुनो देखो, यू नाली तगली नाली, ये रही नाली। इधर आके बताइए। हाँ जी बुरा है पूरी वो सगली में नाली, सगली आई में रोक के खड़ी कर रखी है, यही नाली में है, यही में खड़ी है सबली। नाली का निकासी नहीं है ना ना करवाने कहीं कहीं मेरा, लेकिन मुझे नोएडा से लेन देन ना कुछ के लिए तो आए। हाँ देखिए कुल मिलाकर किस्त। हाँ आप बताइए। अपना किराए पे रह रही है घर छोड़ के जा कीचड़ की वजह से। ये अम्मा रह रही है। कहाँ रहते हैं अब? जा इधर रहते हैं, किराए पे रहते हैं। घर परेशानी है तरह नहीं रही। कीचड़ की वजह से कितनी दिक्कतें होती है? बहुत की होती है, घर में पानी घुस गया तो है, हमारे तो पानी घर में घुस गया तो मकान छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, किराए पर रह रहे। देखिए लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम होगा। इसको लेकर अभी भी संचय बना। लोग हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम रवि कुमार जाटव है। भाई ये समस्या अमूमन ऐसी साहब कम से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही है। और ना तो यहाँ एक बार पहले गाड़ी दिखा देते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी जाती है तो उसको किस तरह से पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ये तस्वीरें गाज़ियाबाद की हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं आप भी सोचने में लग जाएंगे कि जहाँ एक और सांसद विधायक पार्षद तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी से हैं या फिर सत्ताधारी पार्टी से हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात कैसे हैं। सामने देखिए गाड़ी लगभग कीचड़ में फंसने जैसे हालात गाड़ी के हो चुके हैं। बड़ा देखभाल कर चलानी पड़ रही है। जी आप बताइए। ऐसा है यहाँ जो विधायक हैं सांसद अभी विधायक थे ना, वो पीछे वोट मांगने आए थे अतुलगढ़, तो मैंने उनसे गाड़ी रोक करके ये बोला था मैं विधायक जी यहाँ रास्ते देख लीजिए क्या हो रहा है, वोट निश्चित न करे, हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है। ये विधायक जी का लहजा था कि हमें वोट की जरूरत नहीं है। और सुनिए यहाँ ना ये ऐसा ही हमेशा, और वहाँ तक नाला बना के पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ पे इतने बीच में हर बार छूट जाता है। निकासी पानी की कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्हें ना मैं सभी की कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सब ने यहाँ पर तकड़ा वाला घोटाला करा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से ले लो और बतेरे मुद्दे हैं सबसे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि घोटाला की भेंट जो है ये रास्ते चढ़ रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों को बड़े ही मुश्किलों से ये रास्ते पार करने पड़ते हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, TNP इंडिया।